हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज पीबी शैली को, जैसे उनके जनरल इंट्रोडक्शन या उनके वर्क्स, जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, सारा कुछ इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये आपके DSSSB और UPPGT अभी जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो आपकी DSSSB एंड UPPGT UPPGT में ये इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और जो मैं ये जो मेरी वीडियो है ना पीबी शैली की, अगर आपने ये पढ़ ली तो आपके DSSSB से कहीं से भी और क्वेश्चन नहीं आने वाले, यहीं से आ जाएंगे आपके पीबी शैली से। बाकी जो इनके वर्क्स रहेंगे वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट आज जो हम देखने वाले हैं इनके जो जनरल इंट्रोडक्शन है, इनके जैसे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, मदर, फादर, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जो भी इनके वर्क्स हैं इंपॉर्टेंट, सारा कुछ देखने वाले हैं इसमें हम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पीबी शैली को डिस्कस करने वाले हैं। इनका जन्म 1792 में हुआ था एंड इनकी जो डेथ हुई थी वो 1822 में हुई थी। तो आइए देखते हैं नीचे। 4th अगस्त 1792 में इनका जन्म होता है, 4 अगस्त 1792 में, एंड 8 जुलाई 1822 में इनकी डेथ होती है, इनकी डेथ ऑफ। तो इनका जन्म 4 अगस्त 1792 में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 8 जुलाई 1822 में हुआ था। रोमांटिक पोएट ऑफ यंगर जनरेशन, यंगर जनरेशन के ये रोमांटिक पोएट है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये भी ऑप्टिमिस्टिक पोएट के लिए जाने जाते हैं, आशावादी कवि इनको भी कहा जाता है, रेवोल्यूशनरी पोएट के लिए ये भी जाने जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कुछ इनके देख लेते हैं बायोग्राफिकल डिटेल्स। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, पर्सी बायशी शैली वॉज बॉर्न ऑन अगस्त 4, 1792 एट फील्ड प्लेस नियर हॉर्सम, ससेक्स इन इंग्लैंड। तो पीबी शैली, जो पर्सी बायशी शैली का जन्म 4 अगस्त 1792 को इंग्लैंड में ससेक्स के हॉर्सम के पास फील्ड प्लेस में हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ टिमोथी शैली एंड एलिजाबेथ पिलफील्ड, ये इनकी मदर का नेम है, मदर हैं। तो वह टिमोथी शैली और एलिजाबेथ पिलफील्ड के सबसे बड़े बेटे थे पीबी शैली। इनके फादर का नाम टिमोथी शैली था, मदर नेम एलिजाबेथ पिलफील्ड था। नेक्स्ट वन है, इन 1802 ही एंटर्ड द शायन हाउस एकेडमी ऑफ ब्रेंटफोर्ड मिडल सेक्स। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि 1802 में उन्होंने ब्रेंटफोर्ड मिडल सेक्स के शायन हाउस एकेडमी में प्रवेश लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इन अर्ली एज शैली बिगन सफरिंग फ्रॉम द नाइटमेयर्स, हेलुसिनेशंस एंड स्लिप वॉकिंग दैट वर टू पीरियोडिकली एफ्लिक्ट हिम थ्रू आउट हिज लाइफ। तो यहाँ पे कहा जाता है कि इन अर्ली एज, मतलब कम उम्र में ही शैली को बुरे सपने आने लगे, इनको नाइटमेयर्स की शिकायत होने लगी, बुरे सपने आने लगे, हेलुसिनेशन होने लगा इनको। तो इनको कम उम्र में ही शैली को बुरे सपने आने लगे, हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम होने लगी, उनके आने की मति भ्रम होने लगे, एंड स्लीप वॉकिंग, नींद में चलने की बीमारी इनको होने लगी, दैट वर टू पीरियोडिकली एफ्लिक्ट हिम थ्रू आउट हिज लाइफ, और जिससे जीवन भर उन्हें समय समय पर परेशानी होती रही, पूरी लाइफ उनको इस वजह से पूरी लाइफ उनको समय समय पर परेशानी होती रही। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इन 1804 शैली एंटर्ड ईटन कॉलेज, अ पीरियड विच ही लेटर रिकॉल्ड विद लोदिंग। तो 1804 में शैली ने ईटन कॉलेज में प्रवेश किया, एक ऐसा दौर जिसे बाद में उन्होंने घृणा के साथ याद किया, एक ऐसा दौर था ये ईटन कॉलेज में एक ऐसा इनका दौर था जिसे बाद में उन्होंने रिकॉल किया था बहुत ही लोदिंग के साथ, बहुत ही घृणा के साथ। होता नहीं है जब हमारे लाइफ में कोई बुरे एक्सपीरियंस होते हैं और जब हम उसको याद करते हैं तो बहुत ही बेकार सा फील होता है ना। शैलीज पिक्युलरिटीज एंड वॉयलेंट रेजेज अर्न्ड हिम टू निक नेम मैड शैली। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो शैली की पिक्युलरिटीज़ थी, यानी कि विशेषताएं और हिंसक क्रोध के कारण उन्हें एक उपनाम दिया गया, एक नेम दिया गया मैड शैली के नाम से, इन्हें एक उपनाम दिया गया, मैड शैली कहा गया इनका उपनाम इनको मिला, क्योंकि इनका जो बिहेव था थोड़ा वायलेंट रेज था ये सारी चीज़ों के कारण। इट वॉज द स्टॉर्म दैट मेड हिम ड्राउंड, ही वॉज सेलिंग बाई द बोट एंड दिस बोट वॉज नेम्ड डॉन जुआन। इट वॉज नेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ बायरन।
तो वह तूफान था, वो स्ट्रॉम था जिसके कारण वह डूब गए थे। वह नाव से जा रहे थे और इस नाव का नाम क्या था, डॉन जुआन था। इसका नाम बायरन के सम्मान में रखा गया था। तो ये ड्राउन हो गए थे, ये भी याद रखना है कि ये एक स्ट्रॉम था जिसमें ये डूब गए थे, और जिस नाव से ये जा रहे थे उस नाव का डॉन जुआन नाम था, और बायरन के रिस्पेक्ट में ये नाम रखा गया था। ये आपने ध्यान रखना है, डॉन जुआन। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ही वॉज डाइड ऑन 8 जुलाई 1822 एंड देयर इज एन एपिटाफ ऑन हिज ग्रेव। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि उनकी जो डेथ हुई थी वो 8 जुलाई 1822 को हुई थी, और उनकी टूम्ब पर एक शिलालेख लिखा हुआ है, उनकी एपिटाफ पे एक शिलालेख लिखा हुआ है, कुछ लिखा है उनके एपिटाफ पे। क्या लिखा है, नथिंग ऑफ हिम दैट डोथ फेड बट डोथ सफ़र अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। यानी कि बात क्या हो रही है कि उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो मिट जाता है। नथिंग ऑफ हिम दैट डोथ फेड, उनमें से ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो फेड हो जाता है। बट डॉट सफ़र अ सी चेंज, लेकिन एक बड़े बदलाव से गुजरता है, एंड समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज, कुछ समृद्ध और अजीब चीज़ में। ये इनकी एपिटाफ पे लिखा हुआ है, जो कि इम्पॉर्टेंट है पी बी शैली से, आ भी सकता है एग्ज़ाम में। ओके, इसको थोड़ा सा मैं और कम कर लेती हूँ। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट जो है, हैरिट वेस्टब्रुक, ये इम्पॉर्टेंट है। हैरिट वेस्टब्रुक इनकी फर्स्ट वाइफ हैं, पी बी शैली की पहली बीवी हैं ये, एंड सॉरी पी बी शैली की, डाइड एट द एज ऑफ 16 बाय कमिटिंग सुसाइड बिकॉज शैली वॉज इन टच विद अनदर वुमेन मैरी शैली। देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है कि हैरिट वेस्टब्रुक है, ये पी बी शैली की पहली पत्नी है, और इनकी जो उम्र है ये 16 वर्ष की आयु में ही आत्महत्या करके इनकी डेथ हो जाती है। ये 16 वर्ष की आयु, उस समय इनकी 16 साल की उम्र होती है, और ये सुसाइड कर लेती हैं। किस कारण ये सुसाइड कर लेती हैं, क्योंकि शैली का एक दूसरी महिला मैरी शैली के संपर्क में थे। शैली जो हो गए थे, इनका अफेयर हो गया था किसके साथ, मैरी शैली के साथ। ऐसा कारण बताया जाता है कि हैरिट वेस्टब्रुक को जब पता चला तो उन्होंने कमिट सुसाइड कर लिया, मतलब सुसाइड कर लिया, और उस समय उनकी उम्र 16 साल की थी। तो इनकी पहली पत्नी यही है, ये ध्यान रखिएगा। बाद में इन्होंने मैरी शैली से शादी कर ली थी, पहले ये मैरी गॉडविन थी, बाद में जब इनसे शादी कर ली है तो मैरी शैली हो गई। ओके, चलो फिर आगे हम देखते हैं, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट है, ये तो हो गया था उनका बायोग्राफिकल डिटेल्स था, अब कुछ और इम्पोर्टेंट शैली के हैं। शैली रोड द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म, ये इम्पोर्टेंट वर्क है इनका, सबसे पहले इन्होंने लिखा था, इम्पॉर्टेंट वर्क है, 1811 में इन्होंने लिखा था। व्हेन ही वाज इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, ही क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, रोल ऑफ गॉड, सोल ऑफ। तो आगे पॉइंट है, सोल ऑफ क्रिश्चियनिटी, आगे यहाँ पे लिखा नहीं गया है, सोल ऑफ क्रिश्चियनिटी, देयर फोर ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो आगे यहाँ पे पॉइंट भी था, यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले वर्क उन्होंने 1811 में द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म लिखा था, जब वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे। इसमें उन्होंने सवाल उठाए थे, क्या सवाल उठाए थे, वैल्यू ऑफ गॉड की, यानी कि ईश्वर के मूल्य के, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व के, रोल ऑफ गॉड, ईश्वर की जो भूमिका उस पर, सोल ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी कि ईश्वर की एकमात्र भूमिका पर उन्होंने सवाल उठाया था ईसाई धर्म पर, और इसी रीजन इनको क्या हुआ, ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया था, ये ध्यान रखना है। ओके, ये जो वर्क इन्होंने लिखा था इस कारण। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, आपको यहाँ पे मेन पॉइंट ही मिलेगा। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम वॉज कम्पोज 1870, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम ये कम्पोज कब हुआ था, 1817 में कम्पोज हुआ था, एंड पब्लिश्ड इन 1818, और 1818 में इसे पब्लिश किया गया था। लेटर इट वॉज गिवन द टाइटल लोन एंड सिंथना एंड इट वॉज डेडिकेटेड टू मैरी शैली। तो लेटर, पहले इसका टाइटल क्या था, लाउन एंड सिंथना पहला इसका टाइटल था, बाद में इसको रिवोल्ट ऑफ इस्लाम ये टाइटल हुआ, और ये डेडिकेटेड किसको था, मैरी शैली को था, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे यहाँ तक हो गया था, 1 मिनट। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपकी, शैली इज फेमस फॉर हिज अमेजिंग लाइन्स, फॉर हिज होप्स,
एंड मोटिवेशन कंटेंट इन हिज पोइट्री। ये बात क्या हो रही है कि शैली अपनी पोइट्री में होप्स और जो मोटिवेशन कंटेंट यानी कि प्रेरणा सामग्री के लिए अपनी अमेजिंग लाइंस के लिए फेमस हैं। मतलब शैली अपनी कविता में आशाओं और प्रेरणा सामग्री के लिए अपनी अद्भुत लाइनों के लिए वो प्रसिद्ध हैं। जैसे सोल मीट्स सोल ऑन लवर लिप्स, ये पहली लाइन है, सोल मीट्स सोल ऑन लवर लिप्स। एंड दूसरी लाइन है, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। ये दोनों लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सोल मीट्स सोल ऑन लवर्स लिप्स। एंड अगर सर्दी आती है, इफ़ विंटर कम्स, अगर सर्दी आती है तो क्या वसंत बहुत पीछे रह सकता है। तो ये दोनों लाइनें बहुत फेमस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन पे आते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, शैली बिकेम द मेंबर ऑफ विजनरी सोसाइटी। शैली क्या हो गए, विजनरी सोसाइटी के सदस्य बन गए। एंड दिस सोसाइटी वॉज ग्रुप ऑफ राइटर्स इंटेलेक्चुअल्स हु आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी। और जो ये जो सोसाइटी था, ये फ्यूचर के बारे में सोचने वाले जो राइटर्स हैं, यानी कि सोचने वाले लोकतंत्र के जो समर्थक, जैसे राइटर्स हो गए, इंटेलेक्चुअल्स यानी कि बुद्धिजीवियों का समूह था। एंड द मेंबर्स वर कीट्स, बायरन, ली हंट, थॉमस लव पीकॉक, मैरी शैली एंड विलियम गॉडविन। आगे है जिसे शैली आगे क्या कहते हैं जिसे और इस सदस्य में कौन कौन था, कीट्स थे, बायरन थे, ली हंट थे, थॉमस लव पीकॉक थे, मैरी शैली और विलियम गॉडविन का ये ग्रुप था। तो ये आपने ध्यान रखना है, शैली विजनरी सोसाइटी के मेंबर बन गए थे और ये जो सोसाइटी था, ये राइटर्स इंटेलेक्चुअल्स का एक ग्रुप था जो फ्यूचर के बारे में, डेमोक्रेसी के सपोर्टर के बारे में और फ्यूचर के बारे में सोचते थे। और इस मेंबरशिप में कौन कौन था, तो कीट्स, बायरन, ली हंट, थॉमस लव पीकॉक, मैरी शैली एंड विलियम गॉडविन का ये एक ग्रुप था जिसे हम विजनरी सोसाइटी के नाम से जानते थे। विजनरी सोसाइटी का पूछा जाएगा तो ये सारे ग्रुप में ये सारे हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, जॉन विल्सन क्रॉकर एंड जॉन गिब्सन लॉकहार्ट रोट द रिव्यू ऑफ एंडीमियॉन। ये इंपॉर्टेंट है, विच वॉज ब्लेम्ड बाई शैले एंड बायरन ग्राउंडलेसली टू बी श्योर फॉर द डेथ ऑफ कीट्स। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जॉन विल्सन क्रॉकर और जॉन गिब्सन लॉकहार्ट ने एंडीमियॉन जो कीट्स का वर्क था, उनका जो एपिक था एंडीमियॉन की, उन्होंने रिव्यू किया था, यानी कि उनकी रिव्यू लिखी थी, समीक्षा लिखी थी, जिसे शैली और बायरन ने कीट्स की डेथ के लिए निश्चित रूप से दोषी ठहराया था। ऐसा कहा जाता था, ये शैली और बायरन ने दोषी ठहराया था कि कीट्स की जो जॉन गिट्स की जो इतने कम उम्र में डेथ हुई है, कहीं ना कहीं ये एंडीमियॉन की जो रिव्यू इन्होंने लिखा था, जॉन विल्सन क्रॉकर और जॉन गिब्सन लॉकहार्ट, इन्होंने ही रिव्यू लिखा था और इनके इस रिव्यू से, क्रिटिसिज्म से किड्स की डेथ हो गई। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट वन जो है, शैली वॉज द मोस्ट रेवोल्यूशनिस्ट एंड नॉन कन्फर्मिस्ट ऑफ ऑल द रोमांटिक पोएट्स एंड एज सच ही इज कॉल्ड मैड शैली या फिर ईटन एथिस्ट। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि शैली सभी रोमांटिक कवियों में सबसे अधिक क्रांतिकारी थे, सबसे अधिक रिवेलेशनिस्ट थे और गैर अनुरूपवादी थे, नॉन कन्फॉर्मिस्ट थे, और ये भी कहा जाता है, और इसलिए उन्हें मैड शैली या फिर ईटन नास्तिक कहा जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ओके। यही रीज़न था कि उन्हें मैड शैली या फिर ईटन एथिस्ट कहा जाता था। नेक्स्ट जो है, शैली इज कॉल्ड लीस्ट एम्बॉडीड, मीन्स एम्बिगुअस काइंड ऑफ कैरेक्टर, ही प्रीज ह्यूमन परसेप्टिबिलिटी एंड इमेनिसिपेशन ऑफ स्पिरिट। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि शैली को बहुत ही लीस्ट इम्बॉडीड कहा जाता था। ये आपने याद रखना है, शैली को लीस्ट इम्बॉडीड कहा जाता था, जिसका मतलब है मीन्स जो अस्पष्ट प्रकार का, एक बहुत ही एम्बिगुअस टाइप का एक कैरेक्टर है, और वह क्या करता था, वह मानवीय बोधगम्यता और आत्मा की मुक्ति का उपदेश देता था। वह प्रीच करता था ह्यूमन परसेप्टिबिलिटी के लिए और इमेनिसिपेशन स्प्रिट के, तो अगर हिंदी की बात हो जाए तो मानवीय बोधगम्यता और आत्मा की मुक्ति का उपदेश भी देता था, ये ध्यान रखना है। और शैली को लिस्ट एम्बॉडीड भी कहा जाता था, जिसका मतलब है कि मतलब डिफरेंट प्रकार का चरित्र। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका,
His The Mask of Anarchy is a British political poem and it is based on Peterloo Massacre. तो ये ध्यान रखना है कि इनका जो वर्क है The Mask of Anarchy, ये एक ब्रिटिश पॉलिटिकल पोयम है और जो किस पे बेस्ड है, पीटरलू नरसंहार पर ये बेस्ड है, मैसेकर पर बेस्ड है. नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका द सेंसी, ये इनका वर्क है द सेंसी, जो कब आया था, 1819 में आया था. ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, सॉरी ये ब्लैंक वर्ड्स पूरा ले लेती हूँ मैं, ये ब्लैंक वर्ड्स प्ले है, ये एक प्ले है जो कि किस में लिखा गया था, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया था. ये ध्यान रखना है, अबाउट एन इनोसेंट मदर एंड स्टेप डॉटर हु आर ड्राइवन फ्रेंटिक बाय द क्रुएलिटी वायलेंस एंड इंसेस्टुअस लॉस्ट ऑफ द फादर अंटिल इन डिस्पेयर दे कॉन्स्पायर टू मर्डर हिम. तो द सेंसी 1819 में आया था, ये एक ब्लैंक, इसमें ब्लैंक वर्ड्स उन्होंने यूज़ किया, ब्लैंक वर्ड्स एक प्ले है. इसमें इसमें स्टोरी क्या है द सेंसी में, कि एक मासूम माँ होती है और उसकी एक स्टेप डॉटर होती है, के बारे में एक ये पद है, एक ये समझ लीजिए कि वर्ड्स प्ले है. और जो पिता की क्रूरता और हिंसा और अनाचरपूर्ण वासना से उन्मत्त है इसमें दिखाया गया है, और निराशा में आकर उसकी हत्या करने की साजिश रचती हैं, किसकी, फादर की. ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये सारी चीज़ें दिखाई गई, एक इनोसेंट मदर है, स्टेप डॉटर है, और जो अपने ही फादर के क्रुएलिटी वायलेंस एंड इंसेस्टुअस लस्ट के कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और जिसके कारण उन्होंने उसका मर्डर करने के लिए एक कॉन्स्पायर रचती हैं, ये ध्यान रखिएगा. ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट जो पॉइंट है प्रोमीथियस अनबाउंड, ये भी इनका वर्क है. प्रोमीथियस अनबाउंड इज अ पोएटिक ड्रामा, ये एक पोएटिक ड्रामा है, ये ध्यान रखिएगा. इन विच शैली डेवलप द ग्रीक प्रोमीथियस मिथ इन हिज ओन वे सो दैट ही इट कैन सिम्बलाइज द अल्टीमेट विक्ट्री ऑफ लव ओवर हेट एंड रिवेंज. तो प्रोमीथियस अनबाउंड एक पोएटिक ड्रामा है जिसमें शैली ग्रीक प्रोमीथियस मिथक को अपने तरीके से डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं, ताकि यह नफरत और बदले पर प्यार की अंतिम जीत का प्रतीक बन सके. ये पूरा मैंने समझा दिया है, ठीक है, इसमें यही चीज़ दिखाया गया है प्रोमीथियस अनबाउंड का. नेक्स्ट जो फैक्ट है आपका मैन ऑफ इंग्लैंड इंस्पायर्ड जे बी शॉ एंड कार्ल मार्क्स. तो ये जो मैन ऑफ इंग्लैंड ने जे बी शॉ को और कार्ल मार्क्स को प्रेरित किया, इंस्पायर किया. नेक्स्ट जो पॉइंट है ये ध्यान रखिएगा, मैन ऑफ इंग्लैंड ये इंस्पायर हुए हैं, इनसे इंस्पायर, इस प्ले से इंस्पायर कौन हुआ था, जे बी शॉ एंड कार्ल मार्क्स. नेक्स्ट जो फैक्ट है क्वीन मैब इज एक्चुअली बेस्ड ऑन विलियम गॉडविन्स आइडिया ऑफ नेसेसिटी. तो गॉडविन की आइडिया ऑफ नेसेसिटी पर बेस्ड है. अगर वास्तव में माना जाए कि क्वीन मैब दरअसल विलियम गॉडविन के आइडिया ऑफ नेसेसिटी पर आधारित है. इट इज़ अ फिलोसफिकल पोयम, ये एक फिलोसफिकल पोयम है, विद नोट्स पब्लिश्ड इन 1813 इन 9 कंटोज विद 17 नोट्स. तो ये ध्यान रखना है, ये नोट्स सहित एक दार्शनिक कविता है जो 1813 में 17 नोट्स के साथ 9 सर्गों में प्रकाशित हुई थी, यानी कि 9 कैंटोज में ये प्रकाशित हुई थी, पब्लिश हुई थी, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट वन पे आएंगे, क्वीन मैब की बात हो रही है. नेक्स्ट वन पे आएंगे हम एडोनिस, इंपॉर्टेंट है एडोनिस, जो कि एक एलर्जी है, 1821 में ये आया था, वेल नोन एलर्जी ऑन द डेथ ऑफ कीट्स. किसके डेथ पे है, कीट्स के डेथ पे है. हैज़ 55 स्पेंसरिन स्टैंजा, तो ये किस में लिखी गई है, स्पेंसरिन स्टैंजा में. 55 इसमें कितना स्टैंजा है, तो 55 है, 1821 में लिखी गई थी, जो कि एक एलर्जी है, ऐसा कहा जाता है, जो कि एक एलर्जी है. और किसके डेथ पे लिखी गई थी, तो जॉन कीट्स के डेथ पे. किसने लिखा था, पी वी शैले ने. नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन एडोनिस में शैली रिक्वेस्ट गॉडीज यूरेनिया टू मॉर्न द डेथ ऑफ जॉन कीट्स. तो एडोनिस में क्या होता है कि शैली ने जॉन किट्स की डेथ पर शोक मनाने के लिए गुडीज यूरेनिया से अनुरोध किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया. नेक्स्ट वन पे आएंगे, शैली ब्लेम्स क्वार्टरली रिव्यू फॉर द अर्ली इमेच्योर डेथ ऑफ जॉन किट्स एडोनिस ही इज डेड आई वी फॉर. तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि शैली ने जॉन कीट्स एडोनिस की जो क्वार्टरली रिव्यू है
उसके लिए उन्होंने माना है कि ये एक मैच्योर डेथ था जॉन किट्स का, जिसका उन्होंने ब्लेम किया है कि क्वार्टरली रिव्यू की वजह से ही जॉन किट्स की इमैच्योर डेथ हो गई बहुत जल्दी, और वह उसकी डेथ हो गई आई वेव फॉर, ओके वह मर चुका है जिसके लिए मैं रोया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है द ओड टू द वेस्ट विंड, इनका वर्क है पीबी शैली का, ओड टू द वेस्ट विंड इन टिर्जा रीमा, ये टिर्जा रीमा में लिखी गई है। जैसे कि मैंने बताया था टिर्जा रीमा 3 lines की होती है, ओके टिर्जा रीमा में लिखा गया था हैज़ बूथ द सेल्फ पिटिंग एंड द एपोक्लैप्टिक नोट। तो ये किस में लिखी गई है, टिर्जा रीमा में लिखी गई है, ओड टू द वेस्ट विंड। इसमें आत्मदया और सर्वनाशकारी टिप्पणी दोनों ही है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें सेल्फ पिटिंग और एपोक्लैप्टिक नोट दोनों ही इसमें पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट जो आपका है डिफेंस ऑफ पोएट्री, नेक्स्ट जो फैक्ट है डिफेंस ऑफ पोएट्री, ये सारा ही वर्क है पीबी शैली का, और ये लिखा कब गया था, रिटन इन 1821 एंड पब्लिश इन 1840। तो ये लिखा गया था 1821 में एंड पब्लिश हुआ था 1840 में। दिस वॉज फर्स्ट कंसीव्ड एज द डिफेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ पोएट्री अगेंस्ट द आर्ग्यूमेंट ब्रॉट अगेंस्ट इट बाय थॉमस लव पीकॉक द 4 ages ऑफ पोएट्री, ठीक है ठीक है। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो डिफेंस ऑफ पोएट्री है ये 1821 में लिखी गई थी, 1840 में ये पब्लिश हुई थी, और यहाँ पे बात हो रही है दिस वॉज फर्स्ट कंसीव एज द डिफेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ पोएट्री अगेंस्ट द आर्ग्यूमेंट ब्रॉट अगेंस्ट इट थॉमस लव पीकॉक। तो आगे बात क्या हो रही है कि इसकी जो कल्पना है सबसे पहले इस प्रकार की गई थी, इस प्रकार की गई थी कि जो तर्क है, तर्क के विरुद्ध जो वैल्यू ऑफ पोएट्री है, वह कविता की जो मूल्य की रक्षा है, वो थॉमस लव पीकॉक ने अपने वर्क द 4 ages ऑफ पोएट्री में इन्होंने इसके विरुद्ध लाया गया था, उन्होंने इसके विरुद्ध अपने वर्क द 4 ages ऑफ पोएट्री में लाया था, ये ध्यान दीजिएगा, ओके तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो डिफेंस ऑफ पोएट्री है वो 1821 में लिखी गई थी और 1840 में ये पब्लिश हुआ था, और इसे पहली बार द 4 ages ऑफ पोएट्री में थॉमस लव पीकॉक द्वारा इसके खिलाफ लाए गए जो तर्कों के खिलाफ कविता के मूल्य की रक्षा के रूप में कल्पना की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, नेक्स्ट जो इनका वर्क है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ये कंपोज हुआ था 1817 में एंड पब्लिश्ड इन 1818 में ये पब्लिश हुआ था एंड लेटर इट वॉज गिवन द टाइटल लॉन एंड सिंथेना एंड इट वॉज डेडिकेटेड टू मैरी सेले। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि बाद में इसे लॉन एंड सिंथना टाइटल दिया गया था और ये मैरी शैली को डेडिकेटेड है, ये ध्यान रखिएगा, ओके चलिए फिर नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है अलास्टर या फिर द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, अलास्टर जिसका दूसरा टाइटल किया है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड वॉज पब्लिश्ड इन 1816 में पब्लिश हुआ, इट वॉज अ विजनरी पोयम, ये एक विजनरी पोयम है एंड ऑटोबायोग्राफिकल इन नोट में ये ऑटोबायोग्राफिकल है, एक विजनरी पोयम है, एक दूरदर्शी कविता है और नोट में ये आत्मकथात्मक है। इट इज़ रिटन इन मिल्टोनिक ब्लैंक वर्ड्स, ये किस में लिखा गया है, मिल्टोनिक ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया, द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ ब्लैंक वर्ड्स, यानी कि ब्लैंक वर्ड्स का जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म है वो है ये ब्लैंक वर्ड्स। तो ये आपने ध्यान रखना है मिल्टोनिक ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, ओके अलास्टर द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड जिसका दूसरा टाइटल है। नेक्स्ट वन है जूलियन एंड मेडालो, नेक्स्ट जो फैक्ट है इनका वर्क है जूलियन एंड मेडालो इज़ इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, ये डायलॉग में है वेयर मेडालो रिप्रेजेंट बायरन, जहां मेडालो बायरन को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस पोएम इंस्पायर्ड रॉबर्ट ब्राउनिंग टू राइट ड्रामेटिक मोनोलॉग, और इसी पोएम से रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या हो गए थे, इंस्पायर किस लिए हो गए थे, उन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा था, इसका पोएम ने रॉबर्ट ब्राउनिंग को ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखने के लिए प्रेरित किया, जूलियन एंड मेडालो, ये ध्यान रखिएगा, जो कि डायलॉग फॉर्म में है, ओके चलिए फिर आगे हम आते हैं। क्रिटिकल समरी है इनके वर्क से, कुछ थोड़ा थोड़ा क्रिटिकल समरी हमने ले लिया है तो इसको देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। सबसे पहले आते हैं क्वीन मैब में क्या होता है, दिस इज़ द अर्लीस्ट वर्क ऑफ शैली इन पोएट्री।
तो ये क्या है, ये पोइट्री में शैली की सबसे शुरुआती वर्क है, सबसे अर्लीस्ट वर्क है। द पोएम इज़ क्लियरली इमेच्योर एंड कंटेंस मच ऑफ शैलीज क्रूडर एथीज़म। तो ये जो कविता है, ये जो पोएम है, स्पष्ट रूप से क्या है, इमेच्योर है, अपरिपक्व है, और इसमें शैली की अधिक गंभीर नास्तिकता शामिल है। इसमें शैली की सबसे ज़्यादा नास्तिकता शामिल दिखाई गई है क्वीन मैब में। द पोएम इज़ एन अटैक ऑन डॉगमेटिक रिलीजन, गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल टायरनी एंड वॉर। और ये जो पोएम है, ये किस पे अटैक करती है, यानी कि इस पोएम में क्या क्या दिखाया गया है। ये कविता जो है, ये डॉगमेटिक यानी कि हठधर्मी जो धर्म होता है, और गवर्नमेंट, सरकार, औद्योगिक अत्याचार और युद्ध पर एक अटैक है, एक हमला है। द पोएम इनफैक्ट इज़ द पोएट्स आउटक्राई अगेंस्ट द अनस्प्रिटेड फोर्स द वे डाउन ह्यूमैनिटी। वास्तव में ये जो कविता है ना, ये मानवता को कुचलने वाली निरर्थक मजबूरियों के खिलाफ कवि की एक पुकार है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, हेयर द पोएट रिप्रेजेंट अ वर्ल्ड ऑफ हिज ड्रीम्स फ्री फ्रॉम टायरनी ऑफ किंग्स एंड बैरोन्स। आगे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे इसमें कवि ने क्या रिप्रेजेंट किया है कि राजाओं हैं और जो सामंत हैं उनके अत्याचार से मुक्त अपने सपनों की दुनिया का रिप्रेजेंट करते हैं वो। द पोएट होप्स, मतलब जो किंग्स हैं, जो बैरोन्स हैं, उनकी टायरनी से मुक्त वो अपने एक सपनों को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। द पोएट होप्स दैट सून, पोएट आशा करते हैं, दैट सून देयर विल बी द डॉन ऑफ न्यू मिलेनियम व्हेन एवरीथिंग विल बी द फॉर द गुड ऑफ मैनकाइंड। इसमें जो पोएट हैं, पोएट को उम्मीद है कि जल्द ही एक नई सहस्राब्दी यानी कि मिलेनियम की सुबह होगी, जब सब कुछ मानव जाति की भलाई के लिए होगा। सैली होल्ड्स दैट द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड विल बी प्रॉस्पीरियस एंड हैप्पी। आगे बात करें, शैली का मानना है कि विश्व का भविष्य समृद्ध एवं खुशहाल होगा। डिजर्ट्स will turn into fertile fruitful lands and all human beings will be living in perfect peace। और रेगिस्तान जो हैं, जो deserts हैं, उनमें उपजाऊ भूमि में बदल जाएंगे, यानी कि उनमें एक फर्टाइल फ्रूटफुल हो जाएंगे, यानी कि एक उपजाऊ भूमि में बदल जाएंगे। सभी मनुष्य जो हैं, सभी जो मानव जाति हैं, वो पूर्ण शांति से रहेंगे। इन दिस न्यू वर्ल्ड द लैम्ब एंड द लॉयन शैल लाइव टुगेदर। और इस नए संसार में जो लैम्ब है यानी कि मेमना और सिन यानी कि लॉयन एक साथ रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्वीन मैब में शैली का मानना है, उन्होंने ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट इनका जो वर्क है, एलेस्टर या फिर द स्प्रिट ऑफ सॉलिट्यूड। एलेस्टर वॉज पब्लिश्ड इन 1816 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, ये ध्यान रखना है। ये एक प्रकार की आध्यात्मिक आत्मकथा है, इन विच द चीफ कैरेक्टर अ शेडोवी प्रोजेक्शन ऑफ सैलीज ओन मूड्स ट्रेवल थ्रू अ विल्डरनेस इन क्वेस्ट ऑफ द आइडियल ब्यूटी। इसमें बात क्या हो रही है कि जिसमें जो चीफ कैरेक्टर है वो शैली की अपनी मनोदशाओं का एक छायादार प्रोजेक्शन है। और आगे बात क्या हो रही है कि ओन मूड्स ट्रेवल थ्रू अ विल्डरनेस इन क्वेस्ट ऑफ आइडियल ब्यूटी, जो आइडल ब्यूटी की तलाश में जंगल से होकर यात्रा करता है। द पोएम रिप्रेजेंट द वॉन्डरिंग ऑफ अ ट्रेवलर, यानी कि शैली अपनी बात कर रहे हैं, इन सर्च ऑफ आइडल ब्यूटी। इसमें शैली क्या करते हैं, जो कवि है इसमें, वो क्या करते हैं, कविता आदर्श सौंदर्य की तलाश में एक यात्री जो स्वयं शैली ही हैं, वो भटकने का रिप्रेजेंट करते हैं। वो घूमते हैं, किस लिए घूमते हैं, वो सर्च कर रहे हैं, आइडल ब्यूटी को तलाश रहे हैं। ठीक है, इस पोएम में ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। आगे भी देख लेते हैं, आगे भी हैं। द ट्रेवलर इन्वोक्स द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड टू अनफोल्ड द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टू हिम। जो ट्रैवलर है वो जीवन के रहस्य को उजागर करने के लिए एकांत की भावना का आह्वान करता है, इन्वोक करते हैं। द पोएम कैन ऑल्सो बी टेकन फॉर अ क्राई ऑफ डिससेटिस्फेक्शन एंड डिसगस्ट अगेंस्ट द टर्म्स ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ। जो पोएम है, जो कविता है, कविता को हमारे मानव जीवन की स्थितियों के प्रति असंतोष और घृणा की चीख के रूप में भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो अलास्टर या फिर द स्प्रिट ऑफ सॉलिट्यूड में ये दिखाया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में इन्होंने क्या लिखा है, ये भी देख लेते हैं।
द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम इज ओरिजिनली टाइटल्ड एज लाओन एंड सिंथेना. इसका जो ओरिजिनली शीर्षक है लाओन सिंथेना है, केम आउट ऑन January 10, 1818. ये कब आया था? 10 जनवरी 1818 में आया था. लिखा गया था रिटन इन स्पेंसरिन स्टेंजा में. इट इज़ द आउटकम ऑफ हिज आइडियोलॉजिकल इंथुजियाज्म फॉर डेमोक्रेटिक आइडियलिज्म एंड हिज सोशल एंड एथिकल डॉक्ट्रिन्स. तो इसमें बात क्या हो रही है कि ये लोकतांत्रिक आदर्शवाद और उनके सामाजिक और नैतिक सिद्धांतों के प्रति उनके वैचारिक उत्साह का परिणाम है. सिंथेना इज़ अ हीरोइक लेडी. सिंथेना कौन है? एक हीरोइक लेडी है. एंड इट इज़ द मिशन ऑफ आर लाइफ टू ब्रिंग अबाउट द लिब्रेशन ऑफ मैनकाइंड. और इनका मिशन क्या है? साइथना एक वीर महिला है और मानव जाति की मुक्ति लाना उनके जीवन का एक मिशन है कि मानव जाति की मुक्ति लाना है, फ्रीडम लाना है. ये रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में दिखाई देता है. नेक्स्ट वन पे आते हैं, द सेंसी. नेक्स्ट जो इनका वर्क है द सेंसी, इट वॉज कम्पोज्ड इन 1819 में कम्पोज हुआ था. नोन एज अ ट्रेजडी ऑफ सॉम्बर पथोज. तो ये क्या है? एक इसे गंभीर करुणा की ट्रेजडी के रूप में जाना जाता है. इट इज़ अ ग्रिम एंड शॉर्डेड फैमिली अफेयर. ये एक गंभीर और घिनौना पारिवारिक मामला है. इट इज़ मार्क्ड विद अ डीप एंड स्मल्डरिंग इंटेंसिटी ऑफ पैशन एंड एनॉर्मस डिस्प्ले ऑफ ट्रेजिक पर्पज. तो ये गंभीर और घिनौना पारिवारिक मामला है. ये जुनून की गहरी और सुलगती तीव्रता और दुखद उद्देश्य के विशाल प्रदर्शन को मार्क्ड करती है, यानी कि चिन्हित करती है. इसमें दिखाया गया है, जैसे कि मैंने बताया कि एक इनोसेंट मदर है, स्टेप डॉटर है, और उसके फादर की चीजें ये सारी दिखती हैं. हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, अभी हम थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ ले रहे हैं. नेक्स्ट वन पे आएंगे, प्रोमिथियस अनबाउंड. ये कब आया था? 1820 में. द पोएटिक्स इनसटाइबल थ्रस्ट फॉर फ्रीडम वंस अगेन फाइंड्स एक्सप्रेशन इन दिस वर्क. तो इसमें प्रोमिथियस अनबाउंड जो है, ये क्या है? एक के आज़ादी के लिए कवि की अतृप्त प्यास एक बार फिर से इस वर्क में हम पाते हैं, उनकी अभिव्यक्ति पाते हैं. द सब्जेक्ट वॉज ब्रॉड टू शैलीज माइंड बाय अ लॉस्ट ड्रामा ऑफ एस्कलस इन विच प्रोमिथियस. तो ये यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो शैली के माइंड में ये जो सब्जेक्ट है वह एस्कलस के खोए हुए प्लेस द्वारा लाया गया था. मतलब शैली के दिमाग में ये जो विषय है ना, वो एस्कलस के खोए हुए नाटक द्वारा लाया गया था, ठीक है, जिसमें प्रोमिथियस द हीरोइक फ्रेंड एंड लवर ऑफ मैनकाइंड, जिसमें प्रोमिथियस जो हीरोइक फ्रेंड है और मानव जाति का प्रेमी, वॉज अनचेंड फ्रॉम अ ब्लीक प्रेसिपाइज वेयर द टायरेंट जीएस हैड हंग हिम. यहाँ पे बात क्या हो रही है कि शैली के दिमाग में ये जो विषय आया था ना, वो एस्कलस के खोए हुए नाटक द्वारा लाया गया था, जिसमें प्रोमिथियस कौन है? एक वीर मित्र है और मानव जाति का प्रेमी, जो कि एक अंधकारमय चट्टान से बंधन मुक्त था, जहाँ अत्याचारी जीओस ने उसे लटका दिया था, ठीक है. ये कहानी बताया जा रहा कहाँ से ये आया था. शैलीज प्रोमिथियस इज द चैम्पियन ऑफ लिबर्टी एंड ह्यूमैनिटी इज ही इज़ नॉट प्रिपेयर टू सरेंडर टू जुपिटर. तो शैली का जो प्रोमिथियस है वो स्वतंत्रता और मानवता का एक चैम्पियन है. वह जुपिटर के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं है. तो ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं. सिंपली अगर कहना चाहे कि जो प्रोमिथियस अनबाउंड है, ये आज़ादी के लिए कभी की एक अतृप्त प्यास है. मतलब उनका कहना है कि मानव जाति को, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि मानव जाति को फ्रीडम दिलाना, एक वक्त ऐसा आएगा जब लैम्ब और शेर एक साथ रहेंगे. मानव जाति जो है, पूरा मानव है, वो फ्रीडम, मतलब फ्रीडम से रहेगा, लोकतांत्रिक हो जाएगा, एक वर्ल्ड ऐसा भी आएगा. ये प्रोमिथियस अनबाउंड में शैली का कहना है. ओके, चलो फिर आगे देख लेते हैं. इनका जो अगला वर्क है, जूलियन एंड मेडालो, ये 1818 में आया था. इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशन. ये किस में लिखा गया है? एक कॉन्वर्सेशन के रूप में लिखा गया है, एक वार्तालाप के रूप में लिखा गया है, विच इज़ बिटवीन, यानी कि ऑथर और मेडालो के बीच में, लॉर्ड बायरन. अब यहाँ पे ऑथर हैं, विच इज़ बिटवीन
hand on the power of man over his mind, followed by a visit to a Venetian madhouse. तो यहाँ पे किसके बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत हो रही है? ऑथर हैं यानी कि पी बी शैली हैं, मेडालो यहाँ पे कौन है, लॉर्ड बायरन की बात हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे उनके बीच मनुष्य के उसके दिमाग पर शक्ति के बारे में बातचीत हो रही है, जिसके बाद एक वेनिस पागलखाने का दौरा होता है, इसमें ये दिखाया गया है, जिसके बाद एक वेनेशियन मैड हाउस का एक दौरा होता है और उनके बीच में कॉन्वर्सेशन होती है। नेक्स्ट जो वर्क है आपका एपिप्सिकीडियन, ठीक है, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, एपिप्सिकीडियन। ये कब आया था? 1821 में आया था, ठीक है, एपिप्सिकीडियन। यस, दिस पोएम इज रिटन फॉर सैलीज लास्ट बिलवेड इमिलिया विवियानी, ध्यान रखिएगा, हुम यू रियली कंसिडर टू बी द एंटीगोन ऑफ हिज लाइफ। तो जो ये जो पोएम था इनका एपिप्सिकीडियन 1821 में आई थी, ये पोएम शैली की लास्ट बिलवेड इमिलिया विवियानी के लिए लिखी गई थी। इनकी लास्ट बिलवेड कौन थी ये भी याद रखिएगा, इमिलिया विवियानी, और उन्होंने इसके लिए एपिप्सिकीडियन लिखा था, जिसके साथ हुम यू रियली कंसिडर टू बी द एंटीगोन ऑफ हिज लाइफ, जिसे वह वास्तव में अपने जीवन का एंटीगोन मानते थे। द पोएट ड्रीम्स दैट ही हैज एस्केप्ड विथ हिज एंटीगोन, यानी कि इमिलिया विवियानी के साथ बात कर रहे हैं कि कभी का सपना है, पोएट का सपना है कि वह अपने एंटीगोन यानी कि इमिलिया विवियानी के साथ टू लवली स्पॉट ऑफ नेचर अ ब्यूटीफुल आईलैंड इन द एजियन। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो एपिप्सिकीडियन है ये एक पोयम है, 1821 में आई थी, सैली की लास्ट बिलबड इमिलिया विवियानी के लिए उन्होंने लिखा था, और जिसे वो वास्तव में अपने जीवन का एंटीगोन मानते थे। कभी का सपना था कि वो अपने एंटीगोन यानी कि इमिलिया विवियानी के साथ इजियन के खूबसूरत आईलैंड, प्रकृति के एक सुंदर स्थान पर भाग गया है, मतलब उसके साथ जाना चाहता है। कहाँ पर जाना चाहता है? इजियन के खूबसूरत आइलैंड पर, जो प्रकृति का एक सुंदर स्थान है, वहाँ पर वो अपनी जो उनकी बिलवेड है, लास्ट बिलवेड है इमिलिया विवियानी के साथ जाना चाहता है। इसमें इन्होंने ये चीज़ें दिखाई हैं एपिप्सिकीडियन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलास, ये भी इनका वर्क है। हेलास इट इज़ अ शॉर्टर लिरिकल ड्रामा, ये एक शॉर्टर लिरिकल ड्रामा है, बेस्ड ऑन एस्किलस पर्शल। ये किस पे बेस्ड है? एस्किलस एंड पर्शल पर बेस्ड है। इट वाज पब्लिश इन 1820, ये 1822 में पब्लिश हुआ था। इट वाज द आउटकम ऑफ द ग्रीक रेवोल्यूशन विच स्टिल्ड शैले एंड बायरन टू दियर डेप्थ। तो ये 1822 में पब्लिश हुआ था, ये यूनानी क्रांति का एक रिजल्ट था जिसने शैली और बायरन को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं हेलास में। नेक्स्ट वन पे आते हैं हम, एडोनिस पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है आपका एडोनिस, इट इज़ अ पेस्टोरल एलजी, ये एक पेस्टोरल एलजी है जो किसकी डेथ पे लिखी गई थी? जॉन किट्स की डेथ पे लिखी गई थी, एंड पब्लिश हुई थी 1821 में। ये पब्लिश हुआ था अ फ्यू मंथ बिफोर शैलीज ओन डेथ, और उसके कुछ ही महीने बाद शैली की भी डेथ हो जाती है, मतलब शैली के अपनी डेथ से कुछ महीने पहले ही 1821 में ये पब्लिश हुआ था। इट इज़ रिटन इन स्पेंसरिन स्टेंजा, ये किस में लिखा गया था? स्पेंसरिन स्टेंजा में, एंड रिप्रेजेंट शैलीज एप्रिशिएशन ऑफ किट्स, और ये किट्स के प्रति शैली की सराहना को दर्शाता है। उन्होंने किट्स की बहुत ही तारीफ की है इसमें, उन्होंने लिखा है, उन्होंने रोया भी है उनके लिए, पेस्टोरल एलजी है, विलाप किया है। द पोएम इज प्रोफेटिक इन टोन एंड स्ट्राइक्स अ नोट ऑफ द इम्पेंडिंग डेथ ऑफ शैली हिमसेल्फ। जो पोयम है, पोयम का जो स्वर है वो कैसा है, टोन में कैसा है? प्रोफेटिक है, यानी कि भविष्य सूचक है, और स्वयं शैली की जो इम्पेंडिंग डेथ को संकेत देती है, एक इम्पेंडिंग डेथ को भी वो संकेत देती है ये पोयम। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट है। एडोनिस, इससे क्वेश्चन बनते भी हैं। एडोनिस ऑक्यूपाइज अ डिस्टिंक्टिव प्लेस अमंग इंग्लिश एलिजीज एंड इज नो वे इन्फीरियर टू मिल्टन लिसिडस अर्नोल्ड्स थायरिसिस एंड टेनिसन्स इन मेमोरियम। तो एडोनिस जो है वो अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश एलिजीज यानी कि एडोनिस अंग्रेजी शोक गीतों में एक विशिष्ट स्थान रखता है। किसी भी तरह से ये मिल्टन की लिसिडस, अर्नोल्ड की थायरिसिस और टेनिसन के इन मेमोरियम से कमतर नहीं है।
तो ये भी इंग्लिश एलिजीज में एक डिस्टिंक्टिव प्लेस रखता है। ये मिल्टन की जो लिसिडस है, अर्नोल्ड की थायरिसिस है, टेनिसन की इन मेमोरियम से कमतर नहीं है, मतलब उन्हीं के बराबर है ये भी। नेक्स्ट जो है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, नेक्स्ट जो इनका वर्क है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री दिस एस्से, ये एक एस्से है, लिखा गया था रिटन इन रिस्पॉन्स टू शैलीज फ्रेंड थॉमस लव पीकॉक आर्टिकल द फोर एजेज ऑफ पोइट्री। तो ये अ डिफेंस ऑफ पोइट्री ये किस्से हैं, इन्होंने किसके रिस्पॉन्स में लिखा था, शैली के एक फ्रेंड थे थॉमस लव पीकॉक, उनका एक आर्टिकल था द फोर एजेज ऑफ पोइट्री, उन्हीं के रिस्पॉन्स में इन्होंने अ डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा था। इट वॉज रिटन इन 1821 या 1821 में उन्होंने लिखा था एंड फर्स्ट पब्लिश पास्थोमसली इन 1814 एसेज, और पास्थोमसली और पहली बार ये पास्थोमसली 1840 में एसेज में पब्लिश हुआ था। लेटर्स फ्रॉम एब्रोड ये एसेज था, सॉरी, और पहली बार ये पास्थोमसली 1840 में एसेज, एक एसेज था लेटर्स फ्रॉम एब्रोड, इसमें ये पब्लिश हुआ था, ये ध्यान रखना है। ट्रांसलेशन एंड फ्रेगमेंट्स बाय एडवर्ड मॉक्शन इन लंडन, आगे बात क्या हो रही है कि इसका जो ट्रांसलेशन है, ठीक है, तो यहाँ तक हम देख लेते हैं, यहाँ तक लंडन, यहाँ पे बात क्या हो रही थी कि जो डिफेंस ऑफ पोइट्री है ये एक एसे है, और जो शैली के दोस्त थॉमस लव पीकॉक का एक आर्टिकल है द फोर एजेज ऑफ पोइट्री के रिस्पॉन्स में उन्होंने लिखा था, ये 1821 में लिखा गया था और पहली बार ये पास्थोमसली 1840 में लंदन में एडवर्ड मॉक्सन द्वारा लेटर्स फ्रॉम एब्रॉड और ट्रांसलेशन एंड फ्रेगमेंट नामक एक एस्से है, ट्रांसलेशन फ्रेगमेंट नामक एस्सेज के रूप में ये प्रकाशित हुआ था, यानी कि पब्लिश्ड हुआ था। ओके, इट कंटेन्स शैलीज फेमस क्लेम दैट पोएट्स आर एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे शैली का एक प्रसिद्ध दावा है, उन्होंने एक फेमस क्लेम इसमें दिया है डिफेंस ऑफ पोएट्री में, क्या कहा है पोएट्स, ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है कि पोएट्स आर द एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड, जो कवि हैं वो दुनिया की अस्वीकृत विधायक हैं। तो ये पीबी शैली के द्वारा कहा गया है, कहाँ पे, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री में कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। और ये लंदन के एडवर्ड मॉक्सन, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये लंदन के एडवर्ड मॉक्सन द्वारा एक लेटर्स फ्रॉम एब्रॉड ट्रांसलेशन एंड फ्रेगमेंट नामक एक एस्से है, उसके रूप में ये पब्लिश हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, ओड टू द वेस्ट विंड। तो ओड टू द वेस्ट विंड एक ओड है रिटन इन 1819 में ये लिखा गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, एंड कैशीन उड नियर फ्लोरेंस इटली। तो ओ टू द वेस्ट विंड 1819 में फ्लोरेंस इटली के पास कैशीन उड में लिखा गया था, फ्लोरेंस इटली के पास एक कैशीन उड था, कैशीन जंगल था, उसमें ये लिखा गया था, ये ध्यान रखिएगा। इट वॉज ओरिजिनली पब्लिश इन 1820, ये मूल रूप से ये पब्लिश कब हुआ था, तो 1820 में पब्लिश हुआ था बाय चार्ल्स इन लंदन इन द कलेक्शन प्रोमीथियस अनबाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि ये ओरिजिनली रूप से 1820 में लंदन में चार्ल्स द्वारा प्रोमीथियस अनबाउंड कलेक्शन में ये पब्लिश हुआ था। द पोयम मैनिफेस्ट टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इस पोयम मतलब ये जो कविता है दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रकट करती है, जैसे कि द पावर ऑफ द वेस्ट विंड एंड द पावर ऑफ पोएट्री, यानी कि ये क्या करती है, ये पश्चिम हवा की शक्ति और कविता की शक्ति को प्रकट करती है। मतलब यहाँ पे बता क्या रहा है कि ये जो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ये पोयम मैनिफेस्ट करती है, पहला क्या, वेस्ट विंड की पार एंड पोइट्री की पार, ये ध्यान रखना है। ही कॉल्स द विंड प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रक्टर, ये हवा को क्या कहते हैं, ये हवा को संरक्षक और विध्वंसक कहते हैं, यानी कि ये हवा को प्रिजर्वर कहते हैं और डिस्ट्रक्टर कहते हैं। थ्रू आउट ओ टू द वेस्ट विंड द स्पीकर प्रेजेज एंड सेलिब्रेट्स द पावर ऑफ द वेस्ट विंड, इट वॉज रिटन इन टेर्ज़रीमा। आगे बात क्या हो रही है कि ओ टू द वेस्ट विंड के दौरान जो स्पीकर है वो पश्चिमी हवा की शक्ति की प्रशंसा करता है और उसका जश्न मनाता है, और ये टेर्ज़रीमा में लिखी गई है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ओ टू द वेस्ट विंड में जो स्पीकर है वो प्रेस करता है, किसकी प्रेस करता है, हवा की शक्ति की प्रेस करता है और उसे सेलिब्रेट करता है, ठीक है, हवा की शक्ति को।
चले फिर आगे चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट वर्क था इनका, ओ टू द वेस्ट विंड। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ क्रिटिकल कमेंट है जो शैले ने दिया है, देख लेते हैं इसको जल्दी जल्दी। शैले ने भी और अलग राइटर ने भी शैली को दिया है। तो शैली वॉज, पहला पॉइंट जो है आपका, शैली वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, हिज थॉट्स वर्ड्स डीड ऑल सैंग टूगेदर। शैली अकेले ही पूर्ण गायन देवता थे, उनके विचार शब्द कर्म सभी एक साथ गाते हैं। मतलब शैली अकेले ही एक परफेक्ट सिंगिंग गॉड थे, उनके जो विचार हैं, वर्ड्स हैं, डीड हैं, सारे ही एक साथ गाते हैं, ऐसा किसने कहा था, स्विनबर्न ने कहा था। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। शैलीज लाइफ एंड हिज पोएट्री वॉज डिसॉलिबली कनेक्टेड, ही एक्टेड वॉट ही थॉट एंड फेल्ट। तो शैली का जो जीवन है और उनकी जो कविता है वो पूरी तरह से सही है, उन्होंने वही किया जो उन्होंने सोचा और महसूस किया, ऐसा किसने कहा है, तो जॉन एंडिंगटन साइमंड्स का कहना है ये। नेक्स्ट जो है आपका, द मोस्ट जेंटल, द मोस्ट एमेबल एंड द लीस्ट वर्डली माइंडेड पर्सन आई एवर मेट। ये किसने कहा है कि सबसे सौम्य, सबसे मोस्ट जेंटल, सबसे मिलनसार, सबसे कम सांसारिक सोच वाला व्यक्ति जिनसे मैं कभी मिला हूँ, ये बायरन कहते हैं, लॉर्ड बायरन अबाउट शैले। नेक्स्ट वन पे आते हैं। वर्ड्सवर्थ फाउंड एंड शैली लॉस्ट हिमसेल्फ इन नेचर। ऐसा किसने कहा कि वर्ड्सवर्थ ने नेचर को पा लिया है और शैली ने, सॉरी, वर्ड्सवर्थ ने नेचर में खुद को पा लिया और शैली ने अपने आप को खो दिया है, ऐसा डब्ल्यू जे लॉन्ग कहते हैं अबाउट शैली। नेक्स्ट वन, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे टीजीटी के लिए भी, ये इंपॉर्टेंट है यूपी टीजी के लिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्सवर्थ भी है और DSSSB के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये जो पॉइंट है, और आपके DSSSB टीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। शैली इज अ ब्यूटीफुल एंड इनएफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनियस विंग्स इन वेन। ऐसा कौन कहता है, ये आपके मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं कि शैली जो हैं वो लंबे समय तक एक सुंदर और अप्रभावकारी परी हैं जो शून्य में धड़क रही है, जिसके चमकदार पंख व्यर्थ हैं, ऐसा कौन कहता है, मैथ्यू अर्नोल्ड। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा भी गया आई थिंक, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट दोनों ही है। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। शैलीज डिफेंस ऑफ पोइट्री एज अ प्रोफाउंडेस्ट एसे इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसा किसने कहा है, तो शैली की जो डिफेंस ऑफ पोइट्री है वो क्या है, अंग्रेजी भाषा का सबसे गहन निबंध है, इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे प्रोफाउंडेस्ट एसे है, ऐसा हर्बर्ट रेड कहते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे हम। द आइडियाज ऑफ शैली सीम टू मी ऑलवेज टू बी आइडियाज ऑफ एडोलसेंस एज देयर इज एवरी रीजन वाई दे शुड बी। तो शैली का जो विचार है मुझे हमेशा किशोरावस्था के विचार लगते हैं, क्योंकि हर कारण है कि उन्हें क्या होना चाहिए, ये T.S. Eliot कहते हैं शैली के बारे में। चलिए आगे क्या हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है, सम इम्पोर्टेंट लाइन्स और कमेंट बाय P.B. शैली। अब ऊपर तो था कि वो दूसरे राइटर ने P.B. शैली को कहा था, अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं और कमेंट हैं जो P.B. शैली के द्वारा ही दिए गए हैं। इट इज़ एन अटैक ऑन डॉगमेटिक रिलीजन, गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल टायरनी एंड वॉर। तो ये क्या है, यह हठधर्मी धर्म, सरकार, औद्योगिक अत्याचार और युद्ध पर एक हमला है। इट इज़ एन आउटक्राई अगेंस्ट अनस्पिरिचुअल फोर्सेज दैट वेन डाउन ह्यूमैनिटी। ये मानवता को कमज़ोर करने वाली आध्यात्मिक ताकतों के खिलाफ एक आक्रोश है। ये P.B. शैली कहते हैं किसमें, किस वर्क में, क्वीन मैप की ये लाइन है, और क्वीन मैप में ये चीज़ कहते हैं वो। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। पोइट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स। ऐसा किसने कहा है कि कविता जो है, कविता सबसे प्रसन्न और सबसे अच्छे दिमागों के सबसे अच्छे और खुशी के क्षणों का रिकॉर्ड है, P.B. शैली कहते हैं ये। नेक्स्ट वन, द वन रिमेन्स द मेनी चेंज एंड पास। ये बात कि एक ही रहता है, अनेक बदल जाते हैं और गुजर जाते हैं, ये एडोनिस में लाइनें हैं और P.B. शैली के द्वारा एडोनिस की ये लाइनें हैं। आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। ये कहाँ की लाइन है कि मैं पृथ्वी और जल की बेटी हूँ, तो क्लाउड इनका वर्क है, क्लाउड उसकी लाइन है। मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, ओ टू द वेस्ट विंड में आती हैं ये।
ओके, कि मुझे अपनी वीड़ा बना लो जैसे जंगल है। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। लाइफ मे चेंज बट इट मे फ्लाई नॉट, होप मे वैनिश बट कैन डाई नॉट। जिंदगी बदल सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती, आशा मिट सकती है लेकिन मर नहीं सकती। कितनी अच्छी लाइन है, ये हैलास की लाइन है एंड पी बी शैली का कहना है, इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट वन है, बिकॉज माई फादर ऑनर्स डिड डिमांड माइन फादर्स डेथ द शैली। तो ये लाइनें कहाँ पे आती, क्योंकि मेरे पिता ने सम्मान की मांग की थी, मेरे पिता की डेथ हो गई एंड ये आपके द सेंसी की लाइन है आई थिंक। चलिए नहीं नहीं द सेंसी की ही लाइन है, ये सेंसी की लाइन है। ओके नेक्स्ट वन पे आते हैं, एडोनिस इज अ थ्रोनोडी ओवर द डेथ ऑफ द पोएट। तो एडोनिस कवि की डेथ पर एक थ्रोनोडी है, तो ये जॉन किट्स की डेथ पर है। नेक्स्ट वन पे आते हैं, इमेजिनेशन इज द ग्रेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉरल गुड। अ मैन टू बी ग्रेटली गुड मस्ट इमेजिन इंटेंसली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो इमेजिनेशन है, कल्पना है, वो नैतिक भलाई का महान साधन है, एक मॉरल गुड का इंस्ट्रूमेंट, एक ग्रेट इंस्ट्रूमेंट है। एक आदमी को बहुत अच्छा बनने के लिए गहनता से कल्पना करनी चाहिए और व्यापक रूप से करनी चाहिए, ऐसा शैली का कहना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन जो है, पोइट्री इज इंडीड समथिंग डिवाइन, कि जो पोइट्री है, कविता वास्तव में कुछ डिवाइन है, कुछ दिव्य है। इट इज़ एट वंस द सेंटर एंड सरकमफ्रेंस ऑफ नॉलेज। ये एक साथ ज्ञान का केंद्र और नॉलेज है, परिधि है, शैली का कहना है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट है ये, पोइट्री इज दैट फॉर्म विच ऑल स्प्रिंग दैट विच एडॉर्न ऑल एंड पोइट्री रिडीम्स फ्रॉम डीके द वेजिटेशन विद द डिग्निटी ऑफ मैन। कविता वह रूप है, इसका कहने का मतलब क्या है, कविता वह रूप है जो सभी को विशांतित करती है और जो सभी को सुशोभित भी करती है, और कविता छह से मुक्ति दिलाती है, मनुष्य की गरिमा का दर्शन कराती है कविता, ऐसा किसका कहना है, पी वी शैली का कहना है। तो ये था पी वी शैली का जो बायोग्राफिकल डिटेल्स भी थे, उनके वर्क से भी हमने पढ़ा है, उनके जो इम्पॉर्टेंट लाइन है, किस राइटर ने क्या कहा है, वो सारा कुछ पढ़ लिया हमने इस वीडियो में। तो अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, चाहे वो आपके UPPGT देने जाते हैं या फिर आप DSSSB देने जाते हैं, TGT, तो आप एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। बाकी जो इनके वर्क्स हैं ना, वो हम डिटेल में पढ़ने वाले, वैसे मैंने पढ़ाए हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, सब कुछ जो जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारा कुछ मैंने इस वीडियो में पढ़ा दिए हैं। तो इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम लिंक वहाँ पे भी दिया गया है एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, दोनों जगह आप जुड़ सकते हैं और आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय।